आज की इस क्लास में हम लोग यूज ऑफ गोइंग टू का प्रयोग सीखेंगे कि गोइंग टू का प्रयोग कहाँ होता है। इन वाक्यों को देखिए, वह खाने जा रहा है, तुम पढ़ने जा रहे हो, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। ये जितने सारे वाक्य हैं, सबके अंत में जा रहा है, जा रहे हो, इस तरह का शब्द आ रहा है। दूसरे शब्दों में समझिए, तो वाक्य में दो भाग, एक भाग हुआ खाना, दूसरा भाग हुआ जाना, दो भाग। तो हम लोग गोइंग टू का प्रयोग वैसे करेंगे जब वाक्य के अंत में जा रहा हो और उससे पहले कोई भाग, तब हम लोग गोइंग टू का प्रयोग करेंगे। जैसे वह खाने जा रहा है, तुम पढ़ने जा रहे हो, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, वह लिखने जा रहा है, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए वाक्य बनाते हैं। वह खाने जा रहा है, वह का अंग्रेजी ही के साथ में इज का प्रयोग होगा, हैज के सेंस में, उसके बाद गोइंग टू भर का पहला रूप, इट। वह खाने जा रहा है, ही इज गोइंग टू इट। तुम पढ़ने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे वह खाने नहीं जा रहा है, तुम पढ़ने नहीं जा रहे हो, इस तरह का वाक्य हो तो ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। वह खाने नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू रीच। तुम पढ़ने नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू रीच। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, जैसे क्या वह खाने जा रहा है, क्या तुम पुस्तक पढ़ने जा रहे हो, क्या वह खाने जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब का पहले प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य में क्या पहले लिखा गया है। क्या वह खाने जा रहा है, इज ही गोइंग टू ईट। क्या तुम पुस्तक पढ़ने जा रहे हो, यहाँ पुस्तक ऑब्जेक्ट हुआ। क्या तुम पुस्तक पढ़ने जा रहे हो, आर यू गोइंग टू रीड। हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जैसे क्या वह खाने नहीं जा रहा है, क्या तुम पुस्तक पढ़ने नहीं जा रहे हो, ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। क्या वह खाने नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग टू ईट। क्या तुम पुस्तक पढ़ने नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू। अब हम लोग देखेंगे कुछ इस तरह का वक्त, वह क्या खाने जा रहा है, तुम क्या खरीदने जा रहे हो, इस स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करेंगे। वह क्या खाने जा रहा है, व्हाट इज ही गोइंग टू ईट। तुम क्या खरीदने जा रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग बाय लाएंगे। वह क्या नहीं खाने जा रहा है, वह के पीछे क्या है, नहीं। वह क्या नहीं खाने जा रहा है, तुम क्या नहीं खरीदने जा रहे हो, ये स्ट्रक्चर के हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वह क्या नहीं खाने जा रहा है, व्हाट इज ही नॉट गोइंग टू ईट। तुम क्या नहीं खाने जा रहे हो, व्हाट आर यू नॉट गोइंग टू बाय। इस तरह का वाक्य देखते हैं, वह क्यों खाने जा रहा है, तुम क्यों खेलने जा रहे हो, वह क्यों खाने जा रहा है, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। व्हाई इज ही गोइंग टू ईट, तुम क्यों खेलने जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग टू। हम लोग देखेंगे कि क्यों का प्रयोग हुआ है और नहीं का प्रयोग हुआ है। वह क्यों नहीं खाने जा रहा है, तुम क्यों नहीं खेलने जा रहे हो, ये स्ट्रक्चर का हम लोग प्रयोग करेंगे। वह क्यों नहीं खाने जा रहा है, व्हाई इज नॉट गोइंग टू ईट। तुम क्यों नहीं खेलने जा रहे हो, व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू प्ले। वाक्य में कहाँ का प्रयोग हो रहा है, वह कहाँ खाने जा रहा है, तुम कहाँ खेलने जा रहे हो, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करें। वह कहाँ खाने जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग टू ईट। तुम कहाँ खेलने जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टू प्ले। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, वेयर इज नेमान सब्जेक्ट नॉट गोइंग टू गिवन ऑब्जेक्ट। वह कहाँ खाने नहीं जा रहा है, तुम कहाँ खेलने नहीं जा रहे हो, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाते हैं। वह कहाँ खाने नहीं जा रहा है, वेयर इज ही नॉट गोइंग टू ईट। तुम कहाँ खेलने नहीं जा रहे हो, वेयर आर यू नॉट गोइंग टू प्ले। वेयर कब का प्रयोग हम लोग इस स्ट्रक्चर में करते हैं, वह कब खाने जा रहा है, वेन इज ही गोइंग टू ईट। तुम कब खेलने जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग टू प्ले। वाक्य को देखते हैं, वह कब खाने नहीं जा रहा है, तुम कब खेलने नहीं जा रहे हो, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। व्हेन ही इज रिमार्क सब्जेक्ट नॉट गोइंग टू गिव एन ऑब्जेक्ट। वह कब खाने नहीं जा रहा है, व्हेन इज ही नॉट गोइंग टू ईट। तुम कब खेलने नहीं जा रहे हो, व्हेन आर यू नॉट गोइंग टू प्ले। हम लोग हाउ का प्रयोग भी ये जा रहा है, ये स्ट्रक्चर को पूरा करेंगे। वह कैसे पढ़ने जा रहा है, आर इज ही गोइंग टू रीड। तुम कैसे खेलने जा रहे हो,
आवाज गोइंग प्ले बनाते हैं, वह कैसे नहीं पढ़ने जा रहा है, तुम कैसे नहीं खेलने जा रहे हो। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। हाउ इज ए मार्क सब्जेक्ट नॉट गोइंग टू बी वन ऑब्जेक्ट, वह कैसे नहीं पढ़ने जा रहा है। हाउ इज नॉट गोइंग टू रीड, तुम कैसे नहीं खेलने जा रहे हो। हाउ आर इज नॉट गोइंग टू प्ले। ओके, 14 सेंटेंसेस का प्रयोग हम लोग इस प्रकार करेंगे। तुम खेलने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू प्ले। खेलने नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू प्ले। क्या तुम खेलने जा रहे हो, आर यू गोइंग टू प्ले। क्या तुम खेलने नहीं जा रहे हो, आर नॉट गोइंग टू प्ले। तुम क्या खेलने जा रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू प्ले। तुम क्या नहीं खेलने जा रहे हो, व्हाट आर यू नॉट गोइंग टू प्ले। तुम कैसे खेलने जा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग टू प्ले। तुम कैसे नहीं खेलने जा रहे हो, हाउ आर यू नॉट गोइंग टू प्ले। तुम कहाँ खेलने जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टू प्ले। तुम कहाँ नहीं खेलने जा रहे हो, वेयर आर यू नॉट गोइंग टू प्ले। तुम कब खेलने जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग टू प्ले। तुम कब नहीं खेलने जा रहे हो, व्हेन आर यू नॉट गोइंग टू प्ले। तुम क्यों खेलने जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग टू प्ले। तुम क्यों नहीं खेलने जा रहे हो, व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू प्ले। इस प्रकार बोलो। अब हम लोग बनाएंगे, वह खाने जा रहा था। वाक्य के अंत में जा रहा था, जा रहे थे, किस तरह है। वाक्य में दो भर्ब होगा, एक खाना और एक जा। ऐसी स्थिति में हम लोग ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। वह खाने जा रहा था, वह पानी पीने जा रहे थे। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। वह खाने जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू ईट। तुम पानी पीने जा रहे थे, यू वेयर गोइंग टू ड्रिंक वाटर। इस सेंटेंस इस प्रकार बनाएंगे, वह खाने नहीं जा रहा, तुम पानी पीने नहीं जा रहे। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वाज वी आर वेयर नॉट गोइंग टू बी वन ऑब्जेक्ट, वह खाने नहीं जा रहा था, ही वाज नॉट गोइंग टू ईट। तुम पानी पीने नहीं जा रहे थे, यू वे आर नॉट गोइंग टू ड्रिंक वाटर। अब हम लोग इंटरप्रेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या वो खाने जा रहा था, क्या कुछ खेलने जा रहे थे। ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। वाज वेयर, वाज वेयर से कोई जो सब्जेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट गोइंग टू यू वन ऑब्जेक्ट। क्या वो खाने जा रहा था, वाज गोइंग टू ईट। क्या खेलने जा रहे थे, वेयर यू गोइंग टू प्ले। हम लोग वाक्य बनाएंगे इंटरप्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या वो खाने नहीं जा रहा था, क्या तुम खेलने नहीं जा रहे थे। स्ट्रक्चर होगा वाज या वेयर, सब्जेक्ट नॉट गोइंग यू वन ऑब्जेक्ट। क्या वो खाने नहीं जा रहा था, वाज ही नॉट गोइंग टू ईट। क्या तुम खेलने नहीं जा रहे थे, वेयर यू नॉट गोइंग टू प्ले। हम लोग इस तरह का वाक्य बनाएंगे। वह क्या खाने जा रहा था, तुम क्या खेलने जा रहे थे। वाक्य के बीच में क्या का प्रयोग हो रहा है। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। व्हाट वाज योर वेयर सब्जेक्ट गोइंग टू बी वन ऑब्जेक्ट, वह क्या खाने जा रहा था। व्हाट वाज ही गोइंग टू ईट, तुम क्या खेलने जा रहे थे। व्हाट वेयर यू इस तरह का वाक्य बनाएंगे। वह क्या नहीं खाने जा रहा था, तुम क्या खेलने नहीं जा रहे थे। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। व्हाट वाज योर वेयर सब्जेक्ट नॉट गोइंग टू बी वन ऑब्जेक्ट, वह क्या नहीं खाने जा रहा था। व्हाट वाज ही नॉट गोइंग टू ईट, तुम क्या खेलने नहीं जा रहे थे। व्हाट वेयर यू नॉट गोइंग टू प्ले। हम लोग पढ़ेंगे, वह कैसे खाने जा रहा था, तुम कैसे खेलने जा रहे थे। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। हाउ वाज योर वेयर सब्जेक्ट गोइंग टू बी वन ऑब्जेक्ट, वह कैसे खाने जा रहा था। हाउ वाज ही गोइंग टू ईट, तुम कैसे खेलने जा रहे थे। हाउ वेयर यू गोइंग टू प्ले। बनाएंगे, वह कैसे नहीं खाने जा रहा था, तुम कैसे खेलने नहीं जा रहे थे। इस तरह का वाक्य हो, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। हाउ वाज योर वेयर सब्जेक्ट नॉट गोइंग टू बी वन ऑब्जेक्ट, वह कैसे नहीं खाने जा रहा था। हाउ वाज ही नॉट गोइंग टू ईट, तुम कैसे खेलने नहीं जा रहे थे। हाउ वेयर यू नॉट गोइंग टू प्ले। हम लोग बात करते हैं, वह कब खाने जा रहा था, कब खेलने जा रहे थे। स्ट्रक्चर होगा वेयर वाज योर वेयर सब्जेक्ट गोइंग टू बी वन ऑब्जेक्ट, वह कब खाने जा रहा था। व्हेन वाज ही गोइंग टू ईट, तुम कब खेलने जा रहे थे। व्हेन वेयर ही गोइंग टू प्ले, वह कब खाने नहीं जा रहा था, तुम कब खेलने नहीं जा रहे थे। स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। व्हेन वाज योर वेयर सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट, वह कब खाने नहीं जा रहा था। व्हेन वाज ही गोइंग टू ईट, तुम कब खेलने नहीं जा रहे थे। व्हेन वेयर इज नॉट गोइंग टू प्ले, युवा क्यों खाने जा रहा था, क्यों खेलने जा रहे थे। स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा व्हाई वाज योर वेयर सब्जेक्ट गोइंग टू बी वन ऑब्जेक्ट, वह क्यों खेलने जा रहा था। व्हाई वाज ही गोइंग टू ईट, तुम क्यों खेलने जा रहे थे। व्हाई वेयर इज गोइंग टू प्ले, बात बनाते हैं, वह क्यों खाने नहीं जा रहा था, तुम क्यों खेलने नहीं जा रहे थे।
स्ट्रक्चर होगा वाई वाज द अपीयर सब्जेक्ट नॉट गोइंग टू गिव एन ऑब्जेक्ट, वह क्यों खाने नहीं जा रहा था, वाई वाज ही नॉट गोइंग टू ईट, तुम क्यों खेलने नहीं जा रहे थे, वाई वर यू नॉट गोइंग टू प्ले, तो बोलेंगे वह कहाँ खाने जा रहा था, तुम कहाँ खेलने जा रहे थे, स्ट्रक्चर होगा वेयर वाज द अपीयर सब्जेक्ट गोइंग टू गिव एन ऑब्जेक्ट, वह कहाँ खाने जा रहा था, वेयर वाज ही गोइंग टू ईट, तुम कहाँ खेलने जा रहे थे, वह क्या खाने नहीं जा रहा था, व्हाट वाज ही नॉट गोइंग टू ईट, वह कैसे खाने जा रहा था, वाज ही गोइंग टू ईट, वह कैसे खाने नहीं जा रहा था, वाज ही नॉट गोइंग टू ईट, वह कब खाने जा रहा था, व्हेन वाज ही गोइंग टू ईट, वह कब खाने नहीं जा रहा था, व्हेन वाज ही नॉट गोइंग, वह क्यों खाने जा रहा था, व्हाई वाज ही गोइंग टू ईट, वह क्यों खाने नहीं जा रहा था, व्हाई वाज ही नॉट गोइंग टू ईट, वह कहां खाने जा रहा था, व्हेयर वाज ही गोइंग टू ईट, वह कहां खाने नहीं जा रहा था, व्हेयर वाज ही नॉट गोइंग टू ईट।